देखिए हम भी यही चाहते हैं कि दानिया को सजा मिले, और हमारी पहले से ये इंटेंशन थी कि हम दानिया पर केस करेंगे, लेकिन क्योंकि अब वो पोस्टमार्टम के केस में कूदी है सो कॉल्ड डीवी बनके, तो अब हमने इसलिए इमीडिएटली एक्शन लिया। हमारी उम्मीद एफआईए से यही है कि वो उसके खिलाफ लेंगे एक्शन और उसको अरेस्ट करेंगे, और हमने सारे सबूत भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मरहूम शोर की नाजेबा वीडियो शेयर करने के बाद दानिया शाह के खिलाफ मरहूम आमर लियाकत की बेटी और सबका बीवी बुशरा इकबाल एक्शन में आ गईं। बुशरा इकबाल ने ट्विटर पर गुज़िश्ता रोज़ पोस्ट करते हुए बताया, हमने दानिया शाह के खिलाफ एफआईए में फाइल दर्ज करवा दी है, उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। नाजरीन, दानिया शाह ने गुज़िश्ता रोज़ आमर लियाकत की कब्र कुशाई के लिए भी दरख्वास्त दी थी। उन्होंने कहा था कि आमर लियाकत की कब्र कुशाई की जाए और उनका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि उनके कत्ल का पता चल सके कि उनका कैसे कत्ल हुआ। नाजरीन, बुशरा इकबाल और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलवाने के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।